السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها آج بتاريخ 9/5/2020 رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے سلسلے کی ایک اہم کڑی فریضہ زکوٰۃ سے متعلق کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یہ آج کے درس کا موضوع ہے. زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے, اور یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے. فریضہ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوا, شوال سن 2 ہجری. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فریضہ کس کے اوپر ہے, کس شخص پر زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہوا ہے. زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہے جو مسلم ہو, آزاد ہو اور نصاب کا مالک ہو, ملکیت تامہ, مکمل ملکیت کے ساتھ, نصاب کا مالک ہو مکمل ملکیت کے ساتھ, اور اس پر 1 سال کا عرصہ بیت گیا ہو. تو ہر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے ابتدائی طور پر, اجمالی طور پر, کہ جو مسلم ہے, آزاد ہے اور نصاب کا مالک ہے مکمل ملکیت کے ساتھ, ملکیت کا استقرار اسے حاصل ہے, اور اس پر 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. تو ہر وہ شخص جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. یہاں جن مباحث کی طرف میں نے, جن نقاط کی طرف اشارہ کیا ہے بورڈ کے اندر, اس کی روشنی میں گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے ان شرائط کے تعلق سے گفتگو کی جانی مقصود ہے جو زکوٰۃ نکالنے والے شخص کے اندر پایا جانا ضروری ہے. زکوٰۃ نکالنے والے شخص کے اندر, مزکی ما یتعلق بالمزکی, زکوٰۃ نکالنے والے شخص کے اندر پایا جانا ضروری ہے. تو
तो ज़कात निकालने वाले शख्स के अंदर जिन चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है, यहाँ चार चीज़ों का ज़िक्र है। और नंबर दो, जिस माल में ज़कात निकालनी है, उस माल में जिन बातों का पाया जाना ज़रूरी है, वो कुल पांच चीज़ें हैं जिनका यहाँ तज़किरा किया गया है। दोनों को इकट्ठा करने के बाद आप कुल नौ चीज़ों को यहाँ देख रहे हैं। चार चीज़ों का ताल्लुक ज़कात निकालने वाले शख्स से है, पांच चीज़ों का ताल्लुक उस माल से है जिसके अंदर ज़कात निकालनी मकसूद है। इन नौ निकात पर गुफ्तगु आज के दर्स का मौजू है, ताकि हम ये समझ सकें कि ये नौ बातें जिस शख्स और जिस माल के अंदर पाई जाएंगी, ज़कात उस माल के अंदर और उस शख्स के अंदर वाजिब होगा निकालना। बतरतीब हर एक नुक्ते से मुतालिक गुफ्तगु करते हैं। सबसे पहला मसाला जो यहाँ पर ज़िक्र है वह है ज़कात निकालने वाला शख्स मुसलमान हो। इस्लाम, ये सबसे पहली शर्त है, क्योंकि इस्लाम के बग़ैर कोई भी खैर, कोई भी नेकी, कोई भी भलाई, कोई भी अच्छाई, कोई भी फरीदा और कोई भी मुस्तहब अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं होता। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? मुसलमान पर। मुसलमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात को फ़र्ज़ किया है, और ये इस्लाम के बुनियादी पांच अरकान में से एक रुकन है, जो कलमे शहादत के इकरार के बाद ही इन बाकी अरकान की तरतीब सामने आती है। आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है गुफ्तगू के आगाज़ में, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन, उनके माल में से सदका यानी ज़कात ले लो, उनके माल में से ज़कात लो। यहाँ इशारा किन की तरफ है? ज़मीर का मर्जा, हुम का मर्जा कौन है? मुसलमान, यानी मुसलमानों के माल में से ज़कात आप लें तो तहरो हो, जो उन्हें पाक कर देगा, वो तो ज़क्की हिम बिहा, और जिसके ज़रिए से उनकी सफाई होगी। बाकी सफाई का मामला इस ज़कात की अदायगी के ज़रिए ही से होगा। तो यहाँ ख़िताब अहले इस्लाम की तरफ है, मुसलमानों की तरफ, क्योंकि काफिर का तज़किया और तत्हीर मुमकिन है कि ज़कात दे दें और वो मुज़क्का और मुतहर हो जाएं, पाक साफ हो जाएं। काफिर काबिल तज़किया और तत्हीर नहीं है, क्योंकि कहा गया तो तहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इस ज़कात के ज़रिए से उनके नफ्स को, उन्हें हर तरह की गंदगी से पाक साफ किया जा सके, हर तरह के गुनाहों से पाक साफ किया जा सके, बुरे अखलाक से, गंदे अखलाक से उन्हें पाक साफ किया जा सके, और अच्छे अखलाक पर उनकी तरबियत हो सके, वो तो ज़क्की हिम बिहा। तो ततहीर और तज़किये के लिए मुसलमान ही अहल हैं, क्योंकि ततहीर और तज़किये के लिए जिस बुनियाद की ज़रूरत है वो है इस्लाम। काफिर जो कुछ भी कर ले, पर वो
पाक नहीं हो सका, हो सकता। इन नमल मुशरिकून नजस, वो पाक नहीं हो सकते, वो नजिस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ भेजा और उन्हें नसीहत फरमाई, ये कहते हुए, उदउहुम इला शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, आप उन्हें बुलाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की शहादत की तरफ कि रब्बे करीम के अलावा कोई भी लायक इबादत, सच्चा लायक इबादत नहीं है, और ये कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, अगर इसका वो इकरार कर लें, इस चीज़ को तस्लीम कर लें, मान लें, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, अगर वो कलमे शहादत का इकरार कर लें, दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो आप उन्हें ये बताएं कि अल्लाह ने मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है। فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, अगर ये चीज़ भी वो मान लेते हैं जो कि बदनी इबादत थी, तो आप उन्हें ये बताएं, أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, अल्लाह ने उनके माल के अंदर ज़कात फ़र्ज़ किया है। أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, अल्लाह ने उनके माल में ज़कात को फ़र्ज़ किया है, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ, और वो ज़कात मुसलमानों के मालदार लोगों से लेकर मुसलमानों के गरीब लोगों के अंदर तकसीम किया जाए, उन्हें लेना है और उन्हें देना है, मालदारों से लेकर के गरीबों में उसे तकसीम कर देना है। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात जो आपने हज़रत मुआज़ इब्न जबल, सही बुखारी की रवायत है, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन भेजते हुए अता फरमाई। इससे मालूम हुआ कि फरीदे ज़कात के मुखातब कौन है, वो लोग जो कलमे शहादत के इकरार के बाद दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके हों, अगर वो उसे मान लेते हैं तो ज़कात उनके ऊपर फ़र्ज है, अगर वो उसे नहीं मानते तो ज़कात उनके ऊपर फ़र्ज नहीं है। लेकिन इससे पहले भी किसी दर्स के अंदर मैंने कहा था कि क्या इस्लाम की तालीमात के मुखातब सिर्फ मुसलमान हैं, फुरूए शरीयत के मुखातब क्या सिर्फ मुसलमान हैं या गैर मुसलमीन भी हैं, यानी शरीयत इस्लामिया के अंदर जिन जिन चीज़ों का पाबंद मुसलमानों को किया गया है, क्या वो अकेले इसके मुखातब हैं या गैर मुसलमीन भी इस खिताब में दाखिल और शामिल हैं। हर एक से खिताब किया गया है, और जो भी इसकी पाबंदी इस दुनिया के अंदर नहीं करेगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवाल और पूछताछ के लिए वो तैयार रहे, उसे जवाब देना होगा। जो शख्स भी इस पाबंदी का इकरार ना करे या उस पाबंदी को अपनी ज़िंदगी के अंदर ना लाए, तो उस शख्स के अंदर क्या पाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सवाल होगा, पूछा जाएगा, और उस पर अमल ना करने की वजह से उसकी जो सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने यहाँ मुतय्यन की हुई है उसका वो मुस्तहिक होगा। लेकिन अगर वो ज़कात अदा करते हैं गैर मुसलमीन, नमाज़ें कायम करते हैं गैर मुसलमीन,
तो इनके कायम करने और ज़कात के अदा करने का कोई फ़ायदा उनको आखिरत में मिलने वाला नहीं। हाँ, उसकी सज़ा से वो बचेंगे, पर उसका कोई बेनिफिट उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो मकबूल हुआ ही नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के। उमा मनअहुम अन तुक़बला मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके किसी भी इबादत को कबूल इसलिए नहीं किया, और उनमें यहाँ पर आयत करीमा में जिस चीज़ का खुसूसियत से तज़किरा है वो है खर्च करना, नफ़क़ातुहुम, जो कुछ भी वो खर्च करते हैं, किस कदर इखलास के साथ वो खर्च कर रहे हों, रब की रज़ा को पाने के लिए खर्च कर रहे हों, अगर वो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुई है, कुफ्र ही में रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कबूल करने से मना कर दिया। कहा इल्ला अन्नहुम कफरू बिल्लाह, कबूल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इन्होंने कुफ्र का रास्ता अपने लिए अपन लिया। तो कुफ्र का रास्ता अपनाने वाले शख्स की तरफ से नेकियां जो भी इस दुनिया के अंदर की जाएंगी, उन नेकियों का बेनिफिट और उसका समर, उसका फ़ायदा इस दुनिया ही के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अता कर देगा, आखिरत में इसका कोई हिस्सा उनको मिलने वाला नहीं है। वला नुकीमु लहुम यौमुल क़ियामति वज़ना, उसकी कोई हैसियत आखिरत के अंदर नहीं होगी। बल्कि एक जगह कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसराबिन बिक़ियति यहसबुहु ज़मआनु माअ, काफिरों के अमाल की मिसाल बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब की मिसाल बयान की कि उसकी मिसाल शराब जैसी है। शराब, शराब यानी मैदान में सख्त धूप के वक्त में, शिद्दत गर्मी के अवकात में इंसान को वहाँ कोई फ़ायदे वाली चीज़ ख़ास तौर से पानी उसे नज़र आए, और जब वहाँ पहुँचे तो कोई चीज़ ना हो, उसको शराब कहते हैं। कि दिखने में आए कि वहाँ सामने मौजूद है और जब वहाँ तक पहुँचे तो कोई चीज़ ना हो। शराब बिकियति यहसबुहु ज़मआनु माअ, यानी प्यासा शख्स उसे पानी समझ रहा हो कि सामने पानी है और वो प्यासा है, वो भाग करके वहाँ पहुँच रहा है तो वहाँ कोई भी पानी उसे नहीं मिलता। वजदल्लाह इंदहु, हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पकड़ेगा और उनका हिसाब लेगा। तो ये पहली शर्त कि वो शख्स जो ज़कात अदा करने वाला है वो मुसलमान हो, इस्लाम की शर्त उसके यहाँ पाई जाती हो। अगर वो मुसलमान नहीं है, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उस शख्स का किया हुआ अच्छा और बेहतर काम, चाहे वो सलात से मुताल्लिक हो, सियाम से मुताल्लिक हो, ज़कात से मुताल्लिक हो, या खैर के किसी भी हिस्से से मुताल्लिक हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो काबिले कबूल नहीं होगा। कबूलियत के लिए शर्त है इस्लाम का होना। वमन यबतगी गैर अल-इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़ करके कोई भी रास्ता इंसान अपना ले और उस रास्ते पर चलते हुए वो नेकियां और भलाइयां करे, उस दीन को इख्तियार करने के बाद वो जो भी चीज़ अपनाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं होगी, कबूलियत नाम की चीज़ नहीं आ सकती। ये पहली शर्त है कि ज़कात निकालने वाला शख्स मुसलमान हो।
दूसरी शर्त है कि वो आज़ाद हो, दूसरी शर्त है कि वो शख्स आज़ाद हो, ग़ुलाम ना हो। ज़कात निकालने वाला शख्स क्या हो? आज़ाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में माशाल्लाह सारे ही लोग आज़ाद हैं, और कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हैं। क्या मतलब ज़्यादा ही आज़ाद हैं? यानी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम से भी आज़ाद होना चाहते हैं। अहकाम की पाबंदी ना करना ये हद से बढ़ी हुई आज़ादी है, हद से बढ़ी हुई आज़ादी है। क्योंकि अगर रब का हुक्म इंसान नहीं मानता तो ख्वाहिशात नफ्स का असीर हो जाता है, नफ्स की चाहतों का ग़ुलाम बन जाता है, उन अहकाम की पैरवी करने लगता है जो उसके नफ्स अम्मारा की तरफ से आती हैं, जो शयातीन इंसु जिन की तरफ से आती हैं, जो दुनिया की उसकी महबूब तरीन चीज़ें हैं, पसंदीदा चीज़ें हैं, उनकी तरफ से जो आती हैं। तो एक की ग़ुलामी जब वो छोड़ता है तो हज़ारों ग़ुलामियों की जंजीर वो अपने पैरों में डाल बैठता है। एक की ग़ुलामी जब छोड़ देता है, एक का दर जब छोड़ता है तो हज़ारों दर भी उसके लिए नाकाफ़ी होते हैं। हर चौखट पे वो माथा टेकने के लिए तैयार रहे फिर भी उसे उसकी दिली मुराद हासिल होने वाली नहीं है। तो वो शख्स आज़ाद हो, आज़ाद हो का माना क्या है? यानी जिस्मानी एतबार से वो किसी का ग़ुलाम ना हो, किसी की क़ैद में ना हो। जैसा कि कुछ अदवार में जब जंग में जो मुस्लिम और गैर मुस्लिमीन के बीच में वाक़े होती थी और उसके नतीजे में मुसलमानों को अगर फतेह हासिल हुई तो मैदान जंग के अंदर दो चीज़ें उन्हें मिलती थी। नंबर एक, कुछ अफराद जो क़ैदी की शक्ल में उन्हें मिलते थे वो उनके हाथ लगते थे, और कुछ मालो मता जो मैदान जंग के अंदर छोड़ करके शिकस्त खुर्दा लोग भाग खड़े होते थे, तो वो माल गनीमत कहलाता है। जो माल है वो गनीमत का माल है, और जो अफराद हैं वो मर्द हैं तो ग़ुलाम, और अगर औरतें हैं तो बांदियाँ। ये ग़ुलाम हैं यानी क़ैद में आ चुके हैं, वो क़ैद में आ चुके हैं, और ऐसे ग़ुलामों को ख़रीदा और बेचा जा सकता है, इस्लाम ने इजाज़त दी है। ये उनकी दौलत जो उन्हें हासिल हुई है, ये दौलत के तौर पर उन्हें हासिल हुई है, जिसको ख़रीदा जा सकता है बेचा जा सकता है, यानी उनकी अपनी कोई मिल्कियत नहीं है, वो ख़ुद ममलूक है, वो ख़ुद ममलूक है, उनकी अपनी कोई मिल्कियत नहीं है। जो भी उनके अपनी मिल्कियत है वो उनके आका की है। मालुल अब्द मालुस सैयद, तो जो कुछ भी ग़ुलाम के हाथ में चीज़ आती है वो उसके आका की होती है, यहाँ तक कि वो अपने आप में भी ममलूक है अपने मालिक का, और वो है उसका आका। इसीलिए ग़ुलाम के ऊपर ज़कात को फ़र्ज नहीं किया गया, क्योंकि वो किसी चीज़ का मालिक हो ही नहीं सकता, किसी चीज़ का वो मालिक हो ही नहीं सकता। और अगर कोई चीज़ मिल्कियत के तौर पर उसे हासिल हो जाए तो वो ख़ुद ममलूक है, तो उसकी जो भी मिल्कियत होगी वो उसके आका की होगी। ख़ुद भी ममलूक है
तो जो भी चीज़ उसे हासिल होगी वो उसके आका की मिल्कियत होगी। तो इसलिए वो शख्स जो किसी चीज़ का मालिक ना हो, शरीयत ऐसे लोगों पर ज़कात फ़र्ज नहीं करती। यह है दूसरी शर्त, आज़ादी, कि वो आज़ाद हो, मुसलमान हो, और नंबर दो आज़ाद हो। ये दो शर्तें अगर पाई जाती हैं तो मुज़क्की यानी ज़कात देने वाला शख्स वो अपने माल में से ज़कात निकाले।